आती है ना, और ये कैलकुलेट करें कि हमारा वॉशिंग वाला पानी होता कितना है। लेट सपोज आपके पास होता है सारे दिन में 20 क्यूबिक मीटर, ठीक है ना। बैक वॉशिंग का जो पानी निकलता है वो भी 20 क्यूबिक मीटर है, मिसाल के तौर पर हम बात करते हैं ना, ठीक है। अभी कितना हो गया टोटल 40, ये आपके पास 40 क्यूबिक मीटर सारे दिन की कैपेसिटी बनती है, ठीक है ना। अब आपने ये करना कि ये 40 क्यूबिक मीटर की हमारी बन रही है टोटल, इसकी कैपेसिटी हम एटलीस्ट 80 क्यूबिक मीटर का नहीं या 100 क्यूबिक मीटर बना लें, ठीक है ना। अगर आप 100 का पॉन्ड बनाते हैं उसकी एग्जिस्टिंग लिमिट जो टॉप तक जाएगी तो ये आपको 80 मिल जाएगी, ठीक है ना। इसमें आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा, जब आपको 2 घंटे का टाइम 2 दिन का टाइम मिलेगा तो आपने इसके अंदर क्या, ये कौन सा पानी है, बैक वॉश और वॉशिंग, वॉशिंग और दूसरे बैक वॉशिंग, ठीक है ना, बैक वॉश ऑफ फिल्टर, ठीक है ना। ये दोनों चीजें आ गई, सैंड फिल्टर भी आ गई, ये भी आ गई, आ गया ये आपका अभी बट आपकी ये आ गया। इसके अंदर क्या चीज है, इसके अंदर दो चीजें हैं। एक चीज क्या है, एक चीज है वॉशिंग में सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और दूसरी चीज जो आपके इससे, ये जो आपका फिल्टर है, ये फिल्टर है, इससे जब आपने बैक वॉश किया तो यहां से क्या निकला, यानी सस्पेंडेड पार्टिकल्स, टर्बिडिटी, यही ना है, ये टर्बिडिटी इसमें आ गई, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी इसमें आ गया, ठीक है ना, और कोलाइडिकल पार्टिकल्स या सस्पेंडेड पार्टिकल्स भी इसमें आ गए, ठीक है ना। ये आपका पानी आपकी फैक्ट्री का फर्श कर ले 20-40 क्यूबिक मीटर पानी इसमें आ गया। अब आपके पास क्या रह गया, सॉफ्टनर है आपके पास, जी जी सॉफ्टनर है ना, जी जी। अच्छा अच्छा, ये जो आपका सॉफ्टनर है इसमें सोडियम ज़ेओलाइट है, जी जी सोडियम ज़ेओलाइट है ना, इस सोडियम ज़ेओलाइट को रिजनरेट करते हैं आप सोडियम क्लोराइड से, ठीक है। ये जब आप रिजनरेट कर रहे होते हैं, ये जब आप रिजनरेट कर रहे होते हैं तो इसके लिए आपको सोडियम क्लोराइड चाहिए होता है, इसकी बैकवॉशिंग करते हैं और इसकी रिजनरेशन करते हैं। ये अब मैं नेक्स्ट टाइम आऊंगा ना तो मैं आपको पूरा इस पर लेक्चर दूंगा कि आप यहाँ कंजर्वेशन किस तरह कर सकते हैं। अगर आप अभी 30 क्यूबिक मीटर कर रहे हैं तो इंशाल्लाह फिर आप ये 10 क्यूबिक मीटर और 20 क्यूबिक मीटर पानी यहाँ बचा लेंगे, मैं उसको आपको बता दूंगा किस तरह बनाएंगे, ठीक है ना। फिलहाल हम बात कर रहे हैं वेस्ट वाटर की, जो इमरान साहब कह रहे हैं, ये आपके पास फर्ज कर लें 10 क्यूबिक मीटर पानी बचता है, बनता है यहाँ ड्यूरिंग रीजनरेशन का, ठीक है। इसके अंदर क्या चीज़ है, जब आप रीजनरेट करते हैं तो ये जो सोडियम ज़ेओलाइट है जब ये एग्जास्ट होता है तो ये क्या हो जाता है, कैल्शियम ज़ेओलाइट, मैग्नीशियम ज़ेओलाइट, यही चीज़ बनती है ना, ये आपने यहाँ जमा कर लिया। जब आप रीजनरेट करेंगे तो यही बाहर निकलेगा आउटलेट में, जब ये आउटलेट में बाहर निकलेगा तो आपके वेस्ट में क्या चीज़ होगी, कैल्शियम और मैग्नीशियम, यही होगा ना, और थोड़ा बहुत अगर होगा तो पोटाशियम, क्योंकि ऑर्डर ऑफ सेलेक्टिविटी लास्ट में पोटाशियम की ये आ गया यहाँ पे। जब ये यहाँ पे आ गया तो आपने क्या किया, आपके पास पानी में क्या चीज़ हुई, सिर्फ ये दो चीज़ हुई, ये पूरा पानी किसी एक टैंक में ले जाए, इस टैंक में नहीं डालना ये, क्योंकि इसकी कंडक्टेंस ज़्यादा होगी, इसके TDS ज़्यादा होंगे। इस पानी को आप यहाँ से लिफ्ट को टैंक बना लें, इसको लिफ्ट करें और या फ्लोर वॉशिंग के लिए आराम से इस्तेमाल करें। इसको आपने मेन ड्रेन में नहीं डालना, मेन स्टोरेज में नहीं डालना, या जो वेस्ट वाटर आपका पिट है उसमें नहीं डालना है। अब आपके पास एक पिट ये हो गई, दूसरी पिट ये हो गई, तीन जगह का पानी तो आपके पास यहाँ आ गया, ठीक है ना, तीन जगह का पानी आ गया ना। अब आपके पास रह गया बॉयलर वाटर, क्या बॉयलर वाटर में क्या चीज़ होगी आपके पास, कंडेंसेट को तो हम इंशाल्लाह कलेक्ट करके ना सब फीड वाटर टैंक में पहुँचवा देंगे आपकी, ठीक है ना, जान जा से भी है ना, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, वो रह गया आपके पास। अब क्या रह गया, बॉयलर का ब्लू डाउन, बॉयलर के ब्लू डाउन में क्या होगा, ज़ाहिर ऑक्सीजन स्कैवेंजर होगा, ठीक है ना, या कोई फास्फेट्स होंगे और कुछ नहीं तो पॉलीमर्स होंगे, उसके अलावा तो कुछ नहीं होगा ना, हैं, वो तो इश्यू ही नहीं है। ऑक्सीजन स्कैवेंजर एटमॉस्फेयर में वैसे ही न्यूट्रलाइज जाता है, फास्फेट आपकी प्योरिटी में इसलिए नहीं है कि उसके पैरामीटर ही नहीं है, ठीक है ना, सही है, नहीं है, तो ये दो चीज़ें निकल गई। तीसरी चीज़ पॉलीमर
और पॉलीमर इतनी कम तादाद में होते हैं कि वो आप ट्रेस में आते नहीं है, तो वो आपकी एनिक्यूज उसके अलावा है, मतलब ये एनिक्यूज में आती नहीं है। अब क्या चीज, कौन सा पानी ऐसा बचा है खतरनाक जिसके लिए डेस्कॉन को बुलाना है यहाँ पे? मुझे आप अभी मुझे ये हाईलाइट करके बताइए, ये बताइए डॉक्टर साहब, अब ये पानी बचा है हमारे पास जिसको यार ना हमें समझ में आ रहा, ना उस्मान को समझ में आ रहा, ना इमरान साहब को समझ में आ रहा, इमरान साहब की तो फील्ड ही नहीं है। देखिए आप इस, आप कौन सा ऐसा पानी है जिसके लिए इतनी हमको पंचायत करनी है, बताइए और खुल के बताएं अगर आपके जहन में कोई। हाँ बेटा, और देखो एक बात बताओ सर, एक चीज है। हाँ, एक चीज के दो चीज पूछो। फॉर एग्जांपल हमने टैंक खाली कर लिया, कौन सा टैंक खाली कर लिया, मतलब हम सिरप बनाते ना सर, सिरप बनाते ना, सिरप से बेवरेज बनाते हैं, टैंक खाली हो गया, अब उसकी आप सीआईपी करते हैं? सीआईपी करते हैं। अरे मैं बड़ी देर से एक्सपेक्ट कर रहा था कि सीआईपी अभी तक इन्होंने क्यों नहीं मुझसे पूछा यार, ये तो बेसिक हो गया ना सर, ठीक है जल्दी करें आप प्लीज। तो अब एक तो उधर सीआईपी पे आए हम, और दूसरा कुछ जो बायोलॉजिकल कंटेंट है वो उस सिरप का भी है, ये दो कंपोनेंट्स हैं जो मेरा ख्याल है कि ये भी हम सीआईपी में। आप कौन सी पंचायत करते हैं जनाब, बताइए जरा सर। इस्तेमाल तो हम यही करते हैं डेमोंस्ट्रेट करते हैं ना। अच्छा, आप सीआईपी करने के बाद आपके पास वो कूलर्स भी लगे हुए स्टील वाले वर्टिकल? नहीं नहीं है, सिर्फ सिंपल सीआईपी करते हैं। सीआईपी होती है उसके बाद नॉर्मल वाटर। और सीआईपी जब आप अपना फ्लेवर चेंज करते हैं, जब करते हैं या? जी जी, है ना, जी जी, हाँ जब करते हैं, जब आप फ्लेवर चेंज करते हैं, है ना। ये मतलब इसलिए है कि वो मुझे 35 साल एक्सपीरियंस जूसेस का और इसका इसका सबका है जी। एक जमाने में मैं जो जब करता था ना, तो कोको कोला से 5 लाख रुपए ले लेता था 10 मिनट की विजिट के ना। हाँ, फैसल को पता है अच्छी तरह इस बात का, तो वो कहते हैं। अच्छा बहरहाल, अब आपने सीआईपी के बेटा उसके अंदर सोडियम ऑक्साइड है जी, ठीक है, उस सीआईपी के पानी को भी आप इसमें ले जा सकते हैं। इसके अंदर सीआईपी के साथ क्या चीज़ है, कुछ माइक्रोबायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना। माइक्रोबायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को ख़त्म करने के लिए आपको क्या चीज़ चाहिए, कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, ठीक है। जब आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएंगे ना जी, सॉल्ट हो जाएगा, सॉल्ट हो जाएगा ना जी। ये मसला सीआईपी का ख़त्म हो गया आपका। आगे चलिए, आगे एक और चैप्टर रह गया आपका, याद नहीं आ रहा, बायोलॉजिकल वो हो गया, सेप्टिक वो भी गया, ये भी गया, दोनों के ना चीज। अब रह गया कूलिंग टावर जी, कूलिंग टावर का अभी मैं इधर इधर एक चीज एक चीज इधर रह गई, जो बॉटल वॉशर है ना सर, उसके अंदर हमारे ब्राइट वॉश और वो सर्फेक्टेंट्स, यार सीधी सी बात कर रहे हो, सर्फेक्टेंट्स है ना। सर्फेक्टेंट्स में क्या चीज होती है, फास्फोरिक एसिड होता है, ठीक है ना, सल्फेमिक एसिड होता है, राइट, ये दो चीजें होती है ना। और सल्फेमिक एसिड के साथ क्या होता है, कुछ अगर थोड़ी बहुत मकदार में किसी ने डाल दिया ना, ओलिक एसिड डाल देता है, इतना शरीफ आदमी अगर बहुत होगा ना तो वो डाल देगा, अदरवाइज तो सब बेवकूफ बनाते हैं। ये दो चीजें होती है ना, सही है। सल्फेमिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है, किसी ऑर्गेनिक अल्कली से उसको आप न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। बहुत सारी दुनिया में पाकिस्तान में दस्तियाब है, हर छोटी बड़ी दुकान पर, क्या ठीक है। सल्फेक्शंस आपने कहा जी वो है, तो एक तरीका आसान है, क्या कैल्शियम ऑक्साइड बाजार से मंगाया आपने 10 रुपए केजी, पानी में हल किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, वो अल्कली हुई, अल्कली हुई ना, उसको ट्रीट करेंगे, दोनों न्यूट्रल हो गए, सेटल डाउन हो गए, बात खत्म हो गई, आगे चले। सही, अब ऊपर अब बताइए ठीक है, अब वो कूलिंग टावर कंडेंसर, अच्छा कूलिंग टावर, आ जाइए आ जाइए आ जाइए, उसके अंदर कूलिंग टावर में मुझे बताइए, एंटीस्केलेंट है सर, हाँ ठीक है ठीक है, क्या होता है एंटीस्केलेंट, थोड़ा उसके अंदर आयरन, थोड़ा बड़ा बड़ा कुछ नहीं छोड़ते आप, ये बात थोड़ी बड़ी नहीं कर रहे, आयरन होगा, हाँ मैं बताता हूँ ना कैसे होगा, मैं बताता हूँ कैसे होगा भी आपको, नहीं मतलब ये खाली चाय चाय में काम नहीं चलेगा, तो आप जो है ना ये आपको पता है, आपको फंसा लिया, ये मेरा शौक भी है ना, ये बात बताइए, ये चमचा है, इसके ऊपर से पानी गुजर रहा है और ये मेटल का आयरन है, ठीक है, ये क्या चीज है, आयरन का एक पाइप है, ठीक है ना, और
इसके ऊपर से पानी गुजर रहा है, जाहिर है ऑफ कोर्स ये आयरन है, तो कुछ ना कुछ आयरन डिजॉल्व होगा। आप यही कह रहे हैं ना, अगर मैं इसके ऊपर एक पन्नी लपेट दूं प्लास्टिक, फिर क्या होगा? फिर नहीं आएगा ना। तो अपन पन्नी क्यों नहीं लपेट देते सर? पाइपिंग काफी है, वो जितनी मर्जी हो। आप क्या समझ रहे हैं कि मैं इमरान साहब से कहूंगा कि अंदर जाके टेप लगा दें उस पे? नहीं वो तो नहीं, मैं ये कहूंगा अल्लाह खुश रखे बेटा, मैं आपसे कहूंगा इसके ऊपर साइंटिफिकली एक पाइपिंग चढ़ा दे, प्लास्टिक क्या कर दे, कोटिंग करेंगे, एक साइंटिफिकली कोटिंग कर दे, और वो सिर्फ वाटर क्वालिटी पैरामीटर से हो जाएगी, जिसको कहते हैं लैंगरियर सैचुरेशन इंडेक्स। क्या कहते हैं सर? बड़ा मुश्किल, बड़ा मुश्किल था, मगर मैं भाई इतना ही रख दे, भाई इतना ही रख दे, नहीं सर ये अब इसको खत्म तो करें ना। जी सर जी। अच्छा, लैंगरियर सैचुरेशन इंडेक्स, ये तरीका मैं बताऊंगा, ये मेरी ही रिसर्च है बेसिकली। जी सर, ये कर दें, इसको स्लाइटली पॉजिटिव रखें, दुनिया की कोई ताकत, अब क्या होगा, ये प्लास्टिक लिपटेगी ऊपर। सर ये मैं लिख लूं प्लीज? नहीं नहीं, लिखने में तो क्या है, ऐसे थोड़ी खाली चाय के कप में इजाजत नहीं भाई, सर ये लिखने दो, ये मैं मिस कर दूंगा सर। लैंगरियर सैचुरेशन इंडेक्स पीएच माइनस पीएचएस, ठीक है ना, ये इसका फार्मूला होता है। पीएचएस क्या है? पी कैल्शियम, ठीक है, पी एल्कलिटी प्लस टेम्परेचर टीडीएस के, ठीक है, ये तीन चीजें होती हैं, ये आपको स्लाइटली पॉजिटिव रखना है बस, ये हम आपको सारी चीजें सिखा देंगे, ठीक है ना, कोई फीसक और उसका मसला नहीं है। क्या चीज? एंटी स्केलेंट टू एंटी स्केलेंट, अब सब बंद हो गए यहां पे, किसी कंपनी का धंधा नहीं चलना है, किसी का भी धंधा नहीं चलना है, एंटी स्केलेंट कुछ नहीं होता इसके अंदर, बेटा हेक्सामेटा फॉस्फेट होता है, ये एसिडिक होता है, एक होता है ट्राइसोडियम फॉस्फेट, क्या सही है, ये क्या चीज होती है, ये अल्कलाइन होता है, ये एसिडिक होता है, कूलिंग टावर में ये इस्तेमाल होता है, ठीक है, ये इस्तेमाल होता है, भाई यहाँ से बाजार से मंगवा ला कट्टा एक, ठीक है ना, और रोजाना 250 केजी अपने कूलिंग टावर में डाल देना और पीएच मेंटेन कर लेना, बाजार से लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब हाथ के हाथ ही मैं आपके 2-3 लाख रुपए बचा दूंगा महीने के बैठे बैठे यहाँ पे, इमरान साहब आपकी तनख्वाह में बढ़ाएंगे 10-10 हज़ार रुपये, ठीक है ना, ये आपने क्या किया है, ये इस्तेमाल करना है, समझ में आ गई बात जी। और पीएच कितनी मेंटेन करनी है? 6.9 मेंटेन करनी है, ठीक है, 6.9 to 7.0 बस, ये पीएच मेंटेन करनी है कूलिंग टावर की। अब आपके पास ये ट्यूब है, कंडेंसर कौन कौन से लगे हैं आपके पास? सारे ड्राफ्ट टाइप है। अच्छा, क्लोज कूलिंग टावर, क्लोज लूप, इंड्यूस ड्राफ्ट है, फोर्स ड्राफ्ट है, फोर्स ड्राफ्ट है, नीचे से एयर दे रहे हैं, नहीं नहीं सॉरी, इंड्यूस ड्राफ्ट है, ऊपर पंखा लगा, ऊपर उसमें भी दो किस्म होती है ना बेटा जी, इंड्यूस ड्राफ्ट में भी दो किस्म होती है, एक होता है काउंटर फ्लो, एक होता है क्रॉस फ्लो। काउंटर फ्लो कौन सा होता है कि जिसमें ये जो ये लूअर्स जो है ना, ये अगर नीचे खाली यहां तक किए ना, नीचे नीचे बॉटम में, तो ये काउंटर फ्लो है, और अगर ये लूअर्स ऊपर तक है, ये क्रॉस फ्लो है, ठीक है ना, ये दो टाइप याद रखें। कूलिंग टावर कितने किस्म के होते हैं? दो। कौन से? एक फोर्स ड्राफ्ट, जो आप नीचे से एयर देते हैं ऊपर से निकाल देते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, फोर्स ड्राफ्ट, जिसके ऊपर पंखा लगा होता है यहां पे, इसको कहते हैं इंड्यूस्ड ड्राफ्ट। इंड्यूस्ड ड्राफ्ट में दो होते हैं, एक कहलाता है काउंटर फ्लो, एक कहलाता है क्रॉस फ्लो, ठीक है। फिर इसके इसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, इसमें लगे होते हैं ड्रिफ्ट एलिमिनेटर। क्या लगे होते हैं? इस तरह के ड्रिफ्ट एलिमिनेटर। ये क्यों लगे होते हैं? ये इसलिए लगे होते हैं कि आपकी जो विंडेज लॉसेस है उसको कम करें, ठीक है ना। तो अब ये कूलिंग टावर में कम, अब जरा आ जाए वापस, कम टू दी पॉइंट, क्या रह गया आपके पानी में? कूलिंग टावर का पानी आ गया आपका,
वालर का आ गया, वाशिंग का आ गया, सीआईपी का आ गया, वाशिंग का आ गया, सारा आ गया। अब कोई और मसला सोच के बताएं जो डेस्क को बुलाना है।